ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ एनडीए एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके अंदर मैं आपको तुक्का ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ, जुगाड़ तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे वहां पर आपको ऑल्टरनेट अप्रोच लगेगा क्वेश्चन को उड़ाने के लिए, वही सारी चीजें जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार जितने भी बच्चे एनडीए 2023 का एग्जाम दे रहे हैं जो कि 3 सितंबर को होने वाला है, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स स्पेशली फॉर 3 सितंबर लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर में आप एनरोल कर सकते हो, अपने स्कोर को आप डबल कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 150 से 200 के बीच में अटकता है एनडीए के अंदर में, आप उसको 390 से 400 की रेंज में जो है लेकर के जा सकते हो। इस कोर्स को देखने के बाद में, सारी चीजों को अप्लाई करने के बाद में आप सीख चुके होगे किस तरीके से आपको इतने नंबर को बूस्ट करना है। सारे ट्रिक्स आप सीखोगे, सारे जेन्युइन मेथड्स आप सीखोगे, पूरी स्ट्रेटजी माइंडसेट डेवलपमेंट आपका जो कोर्स के थ्रू होने वाला है और आपको एनडीए एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है और डिजिटली आपको जो है कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई भी आपके मन में क्वेरीज रहती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो, उसके बाद में आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर से लेना, और इस कोर्स को देखने के बाद में आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप 3 सितंबर का एग्जाम देने वाले हो। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिया है एनडीए एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यहाँ पर एक ही पेपर के मैंने आपके सामने देखो 4 क्वेश्चन उठा लिए हैं। इसके पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिखाया था जिसमें मैंने आप लोगों को तुक्का ट्रिक्स दिखाया था। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बेस्ट जुगाड़ ट्रिक्स दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे कि हम लोग जो है क्वेश्चंस को अल्टरनेट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे ट्रिक्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, टीचर्स नहीं सिखाते, किसी किताब में देखने को नहीं मिलती है। ये सारे ट्रिक्स जो है मेरे दिमाग से निकले होते हैं, आपको इसी चैनल पे एआर स्क्वाड चैनल पे जो है सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो अगर आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्चुअल तरीके से हम लोग क्वेश्चन को नहीं करेंगे सॉल्व, हम लोग जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके दो कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो एनडीए का एग्जाम देते हैं वो मैथ्स में कमजोर होते हैं, तो वो जुगाड़ लगा के बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि कई बार एक्चुअल तरीके से भी आसान तरीके से या फास्ट हमारा जो आंसर है जो जुगाड़ तरीके से आ जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप टाइम सेव करते हो आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है। अब जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को यहां पर देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस थीटा माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस थीटा। हमको थीटा की वैल्यू चाहिए। एक्चुअल तरीके से आप इक्वेशन सॉल्व ना करते हुए आप क्या करो, ऑप्शंस को यू नो एलिमिनेट करने का आप ट्राई करो। तो जिससे कि आप क्या कर सकते हो, जैसे आप लेट कर लो, क्या आप लेट कर सकते हो, जैसे आप अगर लेट करते हो, लेट से जैसे आप अगर लेट करते हो थीटा को, थीटा को अगर आप लेट से यहां पे पाई बाई फोर लेट करते हो, क्या लेट करते हो, लेट लेट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई फोर। ये हमारा क्या है, अजम्पशन है। अगर हमारा अजम्पशन है कि थीटा इक्वल्स टू पाई बाई फोर हो जाए तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो पहला एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर, मतलब कि पाई बाई टू 90 डिग्री, राइट। और यहां पर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर जीरो हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर और साइन जीरो हमारे पास में जीरो होता है। तो ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, इसका मतलब साइन 91 होता है। तो ये जो वैल्यू है मेरे को 1 के बराबर दे रहा है, क्लियर है। अब मैं ऑप्शन में भी वही सेम चीज पुट करूंगा, थीटा को पाई बाई फोर पुट करूंगा, तो पहले ऑप्शन में मेरे को मिलेगा साइन पाई बाई टू, दूसरे ऑप्शन में मेरे को मिलेगा कॉस पाई बाई टू, तीसरे ऑप्शन में मेरे को मिलेगा 2 साइन पाई बाई फोर, और चौथे ऑप्शन में मेरे को मिलेगा 2 कॉस पाई बाई फोर। समझ रहे हो? सो सेम अजम्पशन मैंने क्वेश्चन और ऑप्शन में किया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यहां पे कॉस 90 जीरो होता है, यहां पे साइन 45 1 बाई रूट टू होता है, तो ये आ जाएगा 2 बाई रूट टू, और ये कॉस 45 भी 1 बाई रूट टू होता है, ये भी आ जाएगा 2 बाई रूट टू। तो आप देख सकते हो कि कैसे मेरे तीन ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गए बी सी डी। पहला ऑप्शन जो हमारा 1 था वो मेरा जो है यहां पर करेक्ट आंसर निकल करके आ गया है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग जुगाड़ टेक्निक, ठीक है, बेस्ट जुगाड़ टेक्निक्स मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, वैसे तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप मैथ्स में उतने स्ट्रांग नहीं हो या फिर आप बाय चांस फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको मैं जुगाड़ बताता हूं आप कैसे कर सकते हो। आप अगर ध्यान से देखो तो इसका और इसका एडिशन आपको पाई बाई फोर दे रहा है, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से ऑप्शंस को चेक करो तो 3 अगर आप पुट करते हो तो टैन इनवर्स 3 बाई 3 आपको टैन इनवर्स 1 देगा, ठीक है, तो 45 डिग्री आता है। तो केवल अगर हम 3 पुट करेंगे तो केवल इसकी वैल्यू 45 हो जाएगी, तो इसको जब इससे ऐड करेंगे तो 45 से ज्यादा हो जाएगी, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। समझ गए?
क्योंकि 3 पुट करने से tan inverse 1 आ रहा है यहाँ पे 45, अकेले इसकी वैल्यू ही 45 हो गई, तो जब इसके साथ ऐड करेंगे तो 45 को क्रॉस कर जाएगा। ऑप्शन डी अगर आप पुट करोगे तो आप देखोगे tan inverse 5/3, tan inverse 5/3 की वैल्यू खुद ही 45 से बड़ी है, क्योंकि tan inverse अगर 1 से बड़ा होता है तो एंगल 45 से बड़ा होता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो tan इनवर्स 145 देता है, लेकिन अगर मैं 5 पुट करूंगा तो tan इनवर्स 1 से भी बड़ा आएगा, 1 से भी बड़ा आएगा तो एंगल 45 से भी बड़ा आएगा, तो इसका मतलब वो एड अप होके 45 तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी हमारा क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। समझ गए आप बात को, इन दोनों में से आप क्या तुक्का लगा सकते हो। बाकी आपको मैं अप्रोक्सीमेशन भी समझाता हूं आप क्या कर सकते हो। आप देखो ध्यान समझना, जैसे कि tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, 0 होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3 का मतलब क्या है 1/1.7, मतलब कि 10/17, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये 0.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना, ये वैल्यू 0.6 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है, 0.6 से थोड़ा सा कम ही है, ठीक है, 0.6 के आसपास। अब मैं अगर देखता हूं tan 45 डिग्री को तो मेरे को देता है 1, ठीक है, और फिर मैं देखता हूँ tan 60 डिग्री को तो मेरे को देता है √3, मतलब कि 1.7, और फिर अगर मैं देखता हूँ tan 90 डिग्री को तो देता है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब आपको वेरी क्लियरली समझ में आ रहा है कि जीरो से जो वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। अब आप देखो, ध्यान से देखो, tan इनवर्स हाफ की अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स हाफ की अप्रोक्स वैल्यू होगी, tan इनवर्स हाफ मतलब समझ रहे हो 0.5, तो 0.6 से ऊपर आएगा, है ना, 0 और 0.6 के बीच में, तो 30 डिग्री से थोड़ा सा कम वैल्यू होगा, समझ रहे हो ना, हम 0 से ग्रेजुअली जब 30 तक पहुंच रहे हैं तो 0.6 पहुंच रहा है, 0.6 से थोड़ा सा कम है, 0.5 है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री के आसपास हो सकती है ना, अप्रोक्सीमेटली। और अगर मैं यहां पर ऐड करना चाहूं किसके साथ, अगर ऑप्शन ए पुट करता हूं और ऑप्शन बी पुट करता हूं तो दोनों में आप देखना डिफरेंस क्या होगा। अगर ऑप्शन ए पुट करता हूं तो tan इनवर्स 1/3 आएगा, 1/3 मतलब 0.3 समथिंग, राइट, और 0.3 समथिंग की वैल्यू हो जाएगी कुछ 10-15 डिग्री के आसपास, क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मेरा ये जो वैल्यू है 15 डिग्री के आसपास अप्रोक्सीमेटली आएगा, क्योंकि वो 0.3 वैल्यू आएगा ना, 0 और 0.6 के बीच में 0.3, तो वैल्यू 30 से छोटी होगी, इनफैक्ट 25 से भी छोटी होगी, अप्रोक्सीमेटली आप फील करो थोड़ा सा 15-20 डिग्री के आसपास कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मैं 2 पुट करता हूं, अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2/3 कितना होता है, 2/3 आपका फिर हो जाएगा, देखो आप ध्यान से, 2/3 आपका हो जाएगा 0.6 से भी बड़ा, समझ रहे हो, 0.66 हो जाएगा, जो कि 0.6 से भी बड़ा होगा, मतलब कि 30 डिग्री से भी बड़ा होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री के आसपास मैं बोल सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली 30-35 डिग्री के आसपास मैं बोल सकता हूं। अब आप देखो, अगर ऑप्शन ए होगा तो 15 से 20 डिग्री के आसपास, समझ रहे हो, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, 25 और 15 40 से 45 डिग्री के आसपास ये आएगा ऑप्शन ए में। लेकिन अगर मैं 2 पुट करके 35 को 25 के साथ में ऐड करूंगा तो ये वैल्यू मेरी देखो 60 के आसपास जा रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। तो वेरी क्लियरली अप्रोक्सीमेशन से हम ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी पुट करने पे ये जो वैल्यू 30 से बड़ी आ रही है, 35 के आसपास आ रही है, उसको जब मैं 25 के साथ ऐड करूंगा तो 55 से तो ऊपर ही आ रहा है वैल्यू बहुत इजीली, ठीक है, तो वो एलिमिनेट हो गया। क्लोजेस्ट हमारा जो ऑप्शन है ये दोनों 25 डिग्री अप्रोक्स यहां से और 15-20 डिग्री अप्रोक्स यहां से, दोनों को ऐड करके जो है 45 डिग्री के आसपास आ रहा है, ये हमारा जो यहां पर करेक्ट आंसर बन सकता है, ठीक है। बहुत नेक्स्ट लेवल जुगाड़ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सारी चीजें यार आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से और अच्छे से सीखोगे, पूरा माइंडसेट आपका डेवलप होगा, जड़ से आप सारी चीजें सीखोगे, कितने टाइप के ट्रिक्स होते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में लगाना है, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है, नेगेटिव मार्किंग से आपको कैसे बचना है, मैंने किस तरीके से एनडीए का एग्जाम बिना प्रिपरेशन में क्रैक किया था, सब कुछ आप लोग जो है एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में सीखोगे, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके उसके अंदर में एनरोल करो। स्पेशल कोर्स बनाया है 3 सितंबर वाले बच्चों के लिए और बहुत सारे पीवाईक्यूज कवर होंगे और उसमें आपका जनरल एबिलिटी भी कवर्ड है, ठीक है ना, तो वो सारे जगह पे भी किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है सारी चीजें आपको जो है समझ में आएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप एनरोल करो, काफी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका स्कोर डबल हो सकता है, अगर आपका 180-200 के आसपास स्कोर अटकता है तो वहां से आप 400 तक पहुंच सकते हो, आप एनडीए के कट ऑफ को जो है क्रैक कर सकते हो, एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो कट ऑफ को क्रॉस करके, ठीक है ना, वो भी कम टाइम के अंदर अंदर। अब बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चन की, लास्ट दो क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, यहां पर 3 sin inverse x plus cos inverse x equals to pi दिया है। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, अरे मत सॉल्व करो, आप ऑप्शन पुटिंग कर लो ना, सिंपल है। आप देखो, अगर आप ऑप्शंस को पुट करते हो, पहला ऑप्शन पुट करोगे तो sin inverse 0 तो 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये हो गया 0, cos inverse 0 आपका हो जाएगा कितना, cos inverse 0 आपका 1 हो जाएगा, तो वो पाई के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है, तो ऑप्शन ए तो आपका गया। उसी तरीके से बी भी नहीं आएगा आपका सेटिस्फाई, देखो, लेकिन अगर आप सी डालोगे ना तो आपको, क्योंकि पता है वैल्यू, आपको पता है ना कि भाई साइन 45 डिग्री आपका 1/√2 होता है और
कॉस 45 डिग्री आपका 1/√2 होता है, तो आपको पता है ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1/√2 पुट करूंगा तो 3 sin inverse 1/√2 आएगा, मतलब 3 sin 45 डिग्री, मतलब समझ रहे हो ना आप बात को, 3 into 45 डिग्री आएगा, समझ रहे हो। देखो क्या होगा अगर मैं ऑप्शन सी पुट करता हूं, इफ आई पुट ऑप्शन सी तो क्या होगा, 3 into sin inverse 1/√2 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2, यहां से 45 डिग्री निकलेगा, यहां से 45 डिग्री निकलेगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री कुल मिला के अपने को देगा 180 डिग्री। तो ऑप्शन सी आपका जो यहां पर सही हो गया, मतलब विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन हाउ यू कैन गेस द करेक्ट आंसर और जुगाड़ लगा के यू कैन यू नो मार्क द करेक्ट आंसर, ये आपको यहां पर सीखने को मिल रहा है। अब जैसे आप लास्ट क्वेश्चन में देखो आपको मजा आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने जब देखा मैंने क्या किया, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इक्वल टू 2 है, ए बी सी इक्वल टू 6 है। मैंने ट्रायल एंड एरर करने की कोशिश की और मेरा बहुत चुटकी में आंसर आ गया। जैसे मैंने क्या किया, ए बी सी 3 है ना, तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि a की वैल्यू 1 ले, b की वैल्यू अगर हम 2 ले और c की वैल्यू अगर हम 3 ले तो ये प्रोडक्ट तो सेटिस्फाई हो गया है ना। ए बी सी 6 का मतलब क्या है, 3 2 6 आएगा और एक टर्म को हम 1 ले सकते हैं, समझ रहे हो। तो मैंने ये टर्म ले लिया 1 2 3 और इन तीनों का प्रोडक्ट मेरा 6 आ गया। अब जो टेंशन थी वो थी कि इसको यहां पुट करके देखता हूं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, लकीली वो भी हो गया ठीक है। कैसे हुआ, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 2, b माइनस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 - 3 और c माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 1। तो ये भी लकीली देखो ये आ गया आपका -1 × -1 × 2, -1 - 1 + 1 हो गया, इंटू 2 हो गया, फाइनली आपको 2 दे दिया। तो ये जो हमारा कंडीशन था ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो लकीली क्या हुआ, ट्रायल एंड एरर किया मैंने, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ दिमाग नहीं लगाया, एबीसी को देखा और वही वैल्यू मैंने चेक करके देखा इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, गलती से हो गया सेटिस्फाई। अब हो गया तो बढ़िया बात है ना, आप इसी को पुट करके आप इस डिटर्मिनेंट को चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो 1 2 3 फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर फिर 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। अब आप इसको छुटकी में सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे जो डिटर्मिनेंट में उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, सॉल्व वॉल्व करना नहीं आता है, प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं आता है, वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। उन सारे बच्चों के लिए जुगाड़ है कि अगर आप वैल्यूज को लेट कर पाओ किसी तरीके से, अगर हो जाए तो बस बहुत आसान हो जाता है फिर। अब इसको क्या है, बस सॉल्व करना है। तो 1 × 27 × 4 मतलब कि 27 × 4 हो जाएगा आपका 108 माइनस 9 × 8 = 72, ये तो हो गया फर्स्ट। फिर -2 × 2 जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, सेकंड वाले के लिए नेगेटिव लेते हैं ठीक है, फिर 27 - 9 आ जाएगा 27 - 9, फिर थर्ड वाले के लिए 8 - 4 ठीक है। ये सिंपल नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व जैसे करते हैं, इसको रखते हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसको रखते हैं माइनस साइन के साथ में, समझ रहे हो ना, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर इसको रखते हैं प्लस साइन के साथ में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वही चीज मैंने किया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो ठीक है, तो ये आ गया मेरा 36, ये आ गया मेरा -36 क्लियर है, और फिर ये आ गया मेरा 12 है ना, 4 3 12, तो ये कट गया, फाइनल आंसर मेरा आ गया 12। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, आप देखो ध्यान से 12 आ जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। तो ये सारे नेक्स्ट लेवल यार जुगाड़ टेक्निक्स है, एक ही पेपर के मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिखाए। बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है स्पेशली मैथ्स के अंदर में, पिछला एपिसोड भी आप लोगों ने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाया, आगे के एपिसोड्स में भी मैं आपको दिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक मिल जाएगा, आप सारे बच्चों को जाकर के एनरोल करना है, अपने मार्क्स को आपको कम टाइम में अगर बूस्ट करना है तो इससे बढ़िया तरीका और कुछ नहीं हो सकता। पढ़ के आप इतना ज्यादा नंबर बूस्ट नहीं कर सकते कम टाइम में जितना आप जुगाड़ लगा के सारे ट्रिक्स सीख करके जो है कर सकते हो, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।